Hello everyone, let's start our next part of this chapter, metals and non-metals, that is reaction of metals with water. So in this part we will discuss about how metal reacts with water. Metals reaction kaise karte hai water ke saath. So ye samajhne ke liye hum देख लेते हैं, एक एक्टिविटी कर लेते हैं, है ना. इस एक्टिविटी से हमें पता चल जाएगा कि मेटल जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं. बट गाइस, एक्टिविटी देखने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट, देन आल्सो शेयर इट, राइट. ओके, नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसके पिछले वाले पार्ट्स में आप जाकर देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट पे. जो प्लेलिस्ट है वो मैं आई बटन पे दे दूंगी. एंड इस चैप्टर के 4 पार्ट्स हो चुके हैं. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड थर्ड वन इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ मेटल्स, एंड फोर्थ वन इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, एंड दिस इज द फिफ्थ पार्ट विच इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमें ये समझना है नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ. तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी करने के लिए हम सोडियम मेटल लेंगे, बीकर लेंगे, वाटर लेंगे, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर लेंगे, एंड हमारी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे. एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए हमने जो बीकर लिया हुआ है उस बीकर में हमें वाटर डालना है. हम उसमें वाटर पोर कर देंगे थोड़ा सा. उसके बाद यस, हमें फिल्टर पेपर भी लेना है, राइट. एक्टिविटी स्टार्ट करने के पहले मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ आपको सोडियम और पोटेशियम मेटल के बारे में. जो सोडियम और पोटेशियम मेटल होते हैं ये हमने पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कि जो सोडियम एंड पोटेशियम मेटल होते हैं वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं. इट कैन बी इजीली कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ. इसे हम आसानी से चाकू से भी कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं. बट सॉफ्ट होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं. ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि आप इसे सिर्फ ऐसे नॉर्मली डिब्बे में बंद करके या खुले में नहीं छोड़ सकते. वाई? बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन और सडनली बहुत ज़्यादा फायर कैच कर लेते हैं, विच मे कॉज एक्सप्लोजिव फायर, है ना, आग लग सकती है. सो सोडियम को हम ऐसे ही नहीं रख सकते. तो कैसे रखते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम को एक्चुअली हम कैरोसिन के अंदर डालकर रखते हैं. अब ये फायर कैच करता है एयर में, बट हम केरोसिन में डालकर रख रहे हैं. केरोसिन तो एक फ्यूल है, अगर फायर कैच होगी तो ये तो और ज़्यादा भड़का देगा. नो, ऐसा नहीं है. सोडियम और पोटेशियम मेटल को हम केरोसिन में रखते हैं, बट ये केरोसिन में रिएक्ट नहीं करता. इट इज क्वाइट अनरिएक्टिव विद द केरोसिन. इसीलिए इन दोनों मेटल्स को केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं एंड ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बट ये केरोसिन के अंदर रिएक्ट नहीं करते. इसलिए सोडियम मेटल को केरोसिन के अंदर रखा जाता है. तो उसी केरोसिन में से हम जब सोडियम मेटल को निकालेंगे तो हमें फिल्टर पेपर से उसे थोड़ा सा डैप करना पड़ेगा. फिल्टर पेपर से हम उसे डैप करेंगे तो उसका जो एक्सेसिव केरोसिन है वो निकल जाएगा. उसके बाद हम हमारी एक्टिविटी के लिए उसे यूज़ करेंगे. सो जब हम सोडियम मेटल को बीकर के अंदर जो हमने वाटर लिया था उसके अंदर डाल देंगे तो एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगा. हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगा और जो सोडियम है वो मेल्ट होने लग जाएगा. सोडियम मेल्ट होने लग जाएगा, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी. हाइड्रोजन गैस के इवॉल्व होने से और हीट के प्रोड्यूस होने के कारण जो सोडियम मेटल है उसमें वो बर्न होने लग जाएगा, है ना. जो सोडियम मेटल बर्न होने लग गया उसके बाद क्या होगा, सोडियम मेटल बर्न होने लग जाएगा और एक क्विक मूवमेंट से घूमने लग जाएगा, है ना. उसमें बहुत बहुत क्विक मूवमेंट होने लग जाएगा, एक डार्ट मूवमेंट होने लग जाएगा. उसके बाद वो गोल्डन येलो फ्लेम से बर्न भी होने लग जाएगा.
अब वो बर्न हो गया, मेल्ट हो गया, उसके बाद क्या क्या रिएक्शन हुई वो हम देखते हैं। अब पहले इस सॉल्यूशन को हम चेक कर लेते हैं ना, सोडियम मेटल पूरा मेल्ट हो गया है ना, बर्न भी हो गया। अब हमें जो वो सॉल्यूशन मिला वो क्या हुआ, क्या बन गया, वो हम उसे रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करेंगे। सो गाइस, जब हम रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से उसे चेक करेंगे तो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में टर्न हो जाएगा। इसका मतलब वो बेसिक ऑक्साइड बना रहा है ना, बेसिक ऑक्साइड बना रहा है, या फिर कह सकते हैं कि बेसिक हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, सो ये जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है नेचर में। अब इसमें क्या क्या रिएक्शन इवॉल्व हुई वो हम देख लेते हैं। सो सोडियम का जो साइंटिफिक नेम है नैट्रियम होता है, इसलिए इसका जो केमिकल सिंबल है वो भी Na होता है, राइट। सो ट्वाइस ऑफ Na प्लस H2O इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ Na प्लस ट्वाइस ऑफ H2O इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस H2 प्लस हीट। सो हीट इवॉल्व हुई रिएक्शन में, तो हीट को भी हम शो करेंगे। एंड H2 गैस इवॉल्व हुई जिसके वजह से फायर कैच की सोडियम मेटल ने, सो H2 भी इवॉल्व हुई है और ट्वाइस ऑफ NaOH का सॉल्यूशन मिला है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें सॉल्यूशन मिला है विच इज बेसिक इन नेचर, राइट। सो मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ये मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं या फिर मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। नाउ ये हमें कंक्लूजन मिल गया है ना, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ जो गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम होते हैं वो क्वाइट अनरिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ, वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, अनरिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनका यूज गोल्डन ऑर्नामेंट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए होता है गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़। एंड प्लैटिनम का यूज़ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पार्ट, रिएक्शन ऑफ मैटर्स विथ वाटर। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट रिएक्शन ऑफ मैटर्स विथ एसिड्स, और नॉन मेटल्स के साथ वाटर रिएक्ट नहीं करता, नॉन मेटल के साथ वाटर रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती, दे आर क्वाइट अनरिएक्टिव विथ वाटर। सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल NCERT साइंस विद रागिनी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।